बार सानो पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेनू ही क्यों हार्ट अटैक हो गया या वाई मी। सो देर आर मैनी फैक्टर्स विच आर कॉल्ड रिस्क फैक्टर्स जेडे कि हार्ट का खतरा वधाते हैं। उस दे विच कुछ रिस्क फैक्टर्स इस तरह के ने जिन्हां लई असी कुछ नहीं कर सकते, विच आर कॉल्ड नॉन मोडिफाइबल रिस्क फैक्टर, यानी कि वधदी हुई एज बारे असी कुछ नहीं कर सकते। मेरी जो फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिजीज़ की है तो मैं उन्होंने चेंज नहीं कर सकता, आई कैन नॉट चेंज माई फैमिली। मैं अपने जीन्स नू नहीं चेंज कर सकता, जो विरासत मैनू जीन्स मिले ने वो मेरे नाल जिंदगी भर रहेंगे। बट देर आर मैनी रिस्क फैक्टर्स जिन्हों असी अपनी इच्छा नाल बदल सकते हैं, जिमें कि जे मैं स्मोकिंग करदा तो आई शुड स्टॉप स्मोकिंग। एक नॉर्मल स्मोकर बंदा एक नॉन स्मोकर दे नालों 14 साल घट जिंदगी जिंदा। सो इट इज़ अ फैक्ट। सो स्मोकिंग इज़ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर। जे तुसी स्मोकिंग छड्ड दिंदे हो 2 साल दे अंदर अंदर तुहाडा हार्ट डिजीज़ का जिहड़ा खतरा है वो एक नॉन स्मोकर जिन्ना हो जाता है। सैकेंड रिस्क फैक्टर इज़ कि जे तुहानूं डायबिटीज़ है तो डायबिटिक पेशेंट्स नूं 2 तो 3 गुणा हार्ट की बीमारी का खतरा ज़्यादा होंदा है एज कंपेयर टू अ नॉन डायबिटिक परसन। तो 80% डायबिटिक पेशेंट्स की जिहड़ी टर्मिनल इवेंट है असीं कहिंदे आ मौत है वो हार्ट की बीमारी करके होंदी है। सो जे तुहानूं शुगर है तो उन्हूं कंट्रोल करके रखना बहुत जरूरी है। जे तुसीं कोई दवाई नाल कंट्रोल कर रहे हो तो बहुत अच्छी गल है, जे तुसीं दवाई नाल नहीं कंट्रोल कर रहे हो तो तुसीं अपनी शुगर नूं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन नाल डाइट नाल भी कंट्रोल कर सकते हो, बट कीपिंग इट अंडर चैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा रिस्क फैक्टर असी सारे ने बड़ी बारी सुनिया कि ब्लड प्रेशर साडा हाई रहिंदा, तो बीपी भी जे तुहाडा हैगा बीपी दे पेशेंट हो तुसीं तो तुसीं उन्हों कंट्रोल करके रखो आइदर बाय डाइट और बाय एक्सरसाइज और बाय मेडिसिन। बीपी तुहाडा नॉर्मल रहना चाहिए। चौथा रिस्क फैक्टर हुंदा है हाई कोलेस्ट्रॉल लैवल। तुसीं कोलेस्ट्रॉल लैवल्स नूं अपने डाइट दे नाल कंट्रोल करो, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जे तुसीं कोलेस्ट्रॉल 18 मिलीग्राम भी जे तुसीं कोलेस्ट्रॉल घटा लैंदे हो तो तुहाडा जिहड़ा हार्ट डिजीज़ होण दा खतरा है वह 20% दे नाल घट जाता है। इस तरीके नाल चौथा रिस्क फैक्टर हैगा कि सानू रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। जेड़ा बंदे एक्सरसाइज करते हैं उन्होंने हार्ट डिजीज़ होण दा या हार्ट अटैक होण दा खतरा दूसरे फिजिकली इनएक्टिव बंदियां नालों 50% रह जाता है, ये कई स्टडीज़ ने शो किया। तो असी पंजाबी सब तो ज़्यादा फिजिकली इनएक्टिव हो गए हैं अज की डेट के। अगला रिस्क फैक्टर हैगा मोटापा। जे तुसीं मोटापे का शिकार हो तो तुहानूं हार्ट की बीमारी होने का खतरा बहुत वध जाता है। तो यह मल्टीप्रोंगड इफेक्ट्स ने मोटापे के। पहला तो जे तुसीं मोटे हो तुहानूं शुगर होने के चांस वध जाते, तुहाडा ब्लड प्रैशर हाई होना शुरू हो जाता, तुहाडे कोलेस्ट्रॉल लैवल्स खराब हो जाते। तो यह सारे रिस्क फैक्टर मिल के कई गुणा तुहाडा हार्ट अटैक का रिस्क फैक्टर वधा देंदे ने। तो अक्सर सानू लोग पुछते हैं कि डॉक्टर साहब मैं कि एक्सरसाइज करा, साढ़े नेड़े तेड़े कोई जिम नहीं है। सो इस तरह की गल्लां बिल्कुल सोचण दी लोड़ नहीं, ना ही मायूस होने की लोड़ है। जस्ट रेगुलर वॉक इज़ वेरी गुड फॉर हार्ट। जे तुसीं रोज़ 40 तो 50 मिनट सैर करते हो, ब्रिस्क वॉकिंग करते हो, तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर हार्ट। ठीक है ना, तुहानू कोई जिम्स की लोड़ नहीं, तुहानू कोई कॉस्टली इक्विपमेंट की लोड़ नहीं हैगी। तो अपना आइडियल वेट मेनटेन करके रखो। अक्सर साढ़े मन च मिसकनसैप्शन है कि ढिड तो होना ही चाहिए है या मोटापा थोड़ा बहुत चंगी गल है, ये बिल्कुल गल सही नहीं हैगी। तुहाडा आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए है, तुहाडी हाइट इन सेंटीमीटर्स -100। जे तुसी 6 फुट दे हो तो तुहाडा 180 सेंटीमीटर कद है, तो तुहाडा वेट 80 किलो तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह जे तुसी 5 फुट 6 इंच दे हो तो 165 सेंटीमीटर कद है, तो 65 किलो के आसपास तुहाडा वेट होना चाहिए। तो ये सुन के तुहानू हैरानी होएगी कि 52% पंजाबी मोटापे का शिकार ने। तो इस करके ही है कि हार्ट दी बीमारियां पूरे इंडिया च पंजाब दे विच या पंजाबियों विच ज़्यादा हो रही ने। ये कई कारण ने। एक कारण है साड़ी डाइट जिहड़ी कि बहुत सैचुरेटिड फैट्स रिच है, असी फ्राइड फूड्स बहुत खाने, असी घ्यो दा इन्हां चीज़ों का बहुत सेवन करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत खाने, मिठाइयाँ बहुत खाने। दूसरी साड़ी फिजिकल एक्सरसाइज बहुत घटती जा रही है, तो जिस करके असी मोटापे का शिकार है। सो ये सारे रिस्क फैक्टर्स नूं जे असी कंट्रोल करके रखांगे
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੈਨ ਵਾਈ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਵਰਕ ਫੋਰ ਇਟ ਔਰ ਵਾਈ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਇਟ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਵਿਦ ਅ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਅ ਲੋਟ ਮੋਰ, ਵੀ ਕੈਨ ਰਿਡਿਊਸ ਦ ਰਿਸਕ ਆਫ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਏ ਮੈਨੀ ਪਰਸੈਂਟਸ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲ ਮਾਈ ਐਡਵਾਈਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ।